प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 677 हितग्राहियों को 93 लाख राशि दी गई है। आपको बता दें कि एक हितग्राही को किश्त, दूसरी किश्त की राशि लगभग 10 लाख रुपए दी गई है। 10 हितग्राही को तीसरी किश्त की राशि 50 लाख रुपए दी गई है। इस प्रकार कुल 104 हितग्राहियों के खाते में 99 लाख रुपए का भुगतान माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। कुल अधिकारियों के खाते में 976 हितग्राहियों के खाते में 8,68,00,000 का यहां पर हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक उमाकांत शर्मा मुख्य अतिथि के द्वारा संपन्न हुआ। हित लाभ वितरण और छात्र छात्राओं को मूंग दाल का वितरण का भी शुभारंभ यहां पर किया गया। भाजपा पूर्व मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बघेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की जमकर तारीफ की, समस्त योजनाओं को विस्तार से समझाया गया। उसी प्रकार राम मोहन जी पारशर राम गुलाम राजौरिया के द्वारा अपने उद्बोधन में सरकार की योजनाओं को बताया गया। कार्यक्रम में SDM तहसीलदार अजय शर्मा, जनपद CO TI काशीराम कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष राजकुमार बघेल, बबलू रघुवंशी, महेंद्र सिंह राजपूत, सुरेश जी अग्रवाल, सचिन जी शर्मा, डॉक्टर आमिर आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। चाहेंगे आज मिशन नगरोदय के अंतर्गत लटील के लिए क्या सौगात? मिशन नगरोदय के अंतर्गत आज लगभग 700 लोगों की प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त और लगभग 150 सभी लोगों की अपने स्थान पर आबादी प्रधानमंत्री आवास की द्वितीय किस्त हमने किस्तों में राशि डाली है और लगभग 1700 कुछ लगभग 1800 आवास की राशियां यहाँ स्वीकृत हो गई हैं। लगभग 6000 परिवार लटेरी में हैं, उनमें से 1800 परिवारों को आवास स्वीकृत हुआ है और भी अधिक लोग लाभान्वित हों इसके दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 225 करोड़ की सौगात अभी अभी 2-4 दिन में अपन ने जो यहाँ पे ठेला वालों से कहा था कि आपके लिए हम सर्व सुविधा युक्त जगह मस्जिद के पास में लोक सेवा केंद्र के पास में मंडी के पास में देंगे। वहाँ लगभग 80-86 लाख की CC और शेड ऐसे करके 225 करोड़ रुपए का वो हमने स्वीकृत करा दिया है और उससे यहाँ के जो सब्जी वाले